हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आया हूँ टहल के ना। टहलने गया था कि खाना खाने के बाद यही नीचे मैं टहल लेता हूँ। तो टहलने के बाद आया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आरती अभी लेटी है और यहाँ पे देव खेल रहा है। ये देव यहाँ पे खेल रहा है और यहाँ पे आरती लेटी हुई है यहाँ पे। और जैसे कि आपको पता है कि आरती की हालत अभी ऐसी है, इस टाइप की ऐसी अभी इसको दिक्कत हो रही है। अभी अभी आया तो बताने लगी कि थोड़ा पेट में हल्का दर्द देने लगा है। तो और आपको जैसे पता होगा कि आरती दो दो वीडियो डालती है कभी कभी। देखिए यहाँ पे आरती लेटी हुई है यहाँ पे, है ना। तो इसका पेट भी अभी थोड़ा पेन है पेट में, तो इसी कारण लेट गई है। और इसके पहले खाना वगैरह सब बनाइए। मैं मना भी करता हूँ कि ज़्यादा काम मत किया करो, तो बोलती है कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। थोड़ा बहुत मैं भी हाथ बटा देता हूँ, है ना। और आरती को मना करता हूँ कि इतनी वीडियो मत बनाया कर, है ना, क्योंकि आपको तो पता है। और दो तीन तीन वीडियो बनाती है, मैं इसको मना भी करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन लोड हो गया सर, प्रेशर काम का इतना रहता है ना, अभी अभी सारी वीडियो डालना, फिर उसके बाद एडिट करना, पब्लिक करना। वो इनको मैं इतने बार सिखाती हूँ पर इनसे कुछ भी नहीं आता यूट्यूब के बारे है। और मैं भी चाह रहा हूँ में। कि मुझे बहुत ज्यादा यहाँ नीचे पेन हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत अति वाला हो रहा है। तो वैसे कल गुरुवार है, कल मैं जाऊंगी सोच रहा हूँ कि बस मेरी रिपोर्ट ठीक हो जाए, इन्फेक्शन कम हो जाए, तो मैं भी जाऊँ जॉब तो के अभी लिए। काम का सोच क्यों रहा है, पर मैं फिर भी भी तो जॉब सही के लिए जाऊँगा, कहीं कहीं ट्राई करूँगा फिर से। अब तो मुझे ये जॉब करनी है, फिर से जॉब करूँगा, रहा ठीक हो जाए सब कुछ। आज भी ठीक हो रहा है। लोड ले लेती हूँ। और मना करता हूँ कि आरती को ज़्यादा काम का लोड मत अरे यार, लो। तो उनको सही समय पे तो देना होता अब है। लोड के कारण थोड़ा दिक्कत परेशानी हो अब जाती काम ले लेती हूँ, ये बताओ, पैसे भी मिल जाते हैं, खर्च भी हो जाते हैं। काम नहीं करके दूंगी तो फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा, आसान थोड़ी है। है। चलिए चलिए फ्रेंड, थोड़ा काम मैं करती हूँ, कमर में तेल लगवा लूंगी। तो ये जो मेरा ब्लॉग है वो 2-3 दिन के बाद का है, मतलब दूसरे दिन का है, सॉरी। और यहाँ पे बाहर बैठ के ही सब्जी काट रही थी। मैं बता दूँ कि नहा धो के मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब लग रहा था। मेरे पेट में नीचे साइड बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है तो वैसे वैसे हालत ख़राब हो रही। बैक पेन तो इतना है मत पूछिए। और नीचे साइड बहुत दुख रहा है, पेट के नीचे वाले हिस्से बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो इन्होंने बोला, आरती एक काम कर, बाहर बैठ के और धीरे धीरे सब्जी काट लेना, जैसा भी होगा। और तो आज मैं भिंडी के मसाले वाले बना ले रही हूँ क्योंकि सब्जी भी कुछ थी नहीं। और इन्होंने बोला कि मैं दाल दाल नहीं खा सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ क्या बना सकती हूँ क्या नहीं। खैर अभी मैं नहा धो चुकी थी तो यहाँ पे वापस से मैं मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ, जो कि मैंने इसमें प्याज वगैरह किस लिया है। देखिए बात करते तक नहीं बन रही है। अब आप सोच रहे होंगे, आरती जब तकलीफ़ है तो क्यों अब कोई भी काम कर रही है? तो देखिए तकलीफ़ तो होगी होगी, और मुझे नहीं है कि मुझे बस हो रही है प्रेगनेंसी की हालत में। सब लेडीज़ों के साथ यही होता है कि उसके साथ प्रॉब्लम बनी ही रहती है जब लास्ट ट्राइमेस्टर आता है, आते आते तक। तो ये सब प्रॉब्लम कॉमन सी बात है, और शायद मेरे पे लोड ज़्यादा है इस वजह से। तो यहाँ पे मुझे तीखा लग रहा था प्याज, तो आंसू भी आ रहे थे, और मुझे बनाना भी था जल्दी जल्दी से, तो क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ज़्यादा देर तक तो मैं खड़े नहीं रह सकती हूँ, ना मैं खड़े थी। तो अभी आपको कल बताया था कि माँ जी चली गई हैं, पर उनको मैंने फिर से बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो बोल रहे थे कि ठीक है, हम आ जाएंगे कल परसों में, अब देखो कब आती हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा। और देखिए हालत मेरी ऐसे ही, किसी ना किसी एक जन को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप बाकी तो समझ सकते हैं, क्योंकि देव को भी देखना है, इनको भी देखना है, साथ में मुझको भी देखना है। मेरा तो ऐसा है कि चल जाएगा, पर मुझे हॉस्पिटल कभी भी ले जाना पड़ सकता है ना अब। और तकलीफ़ें कोई भी होती है वो बता के नहीं आती, कोई तकलीफ़ें हमें बता के आ रही हैं।
तो देखिए हमारा यहाँ पे भिंडी जो मसाला था इसका भर चुका है। अब बहुत हिम्मत करके वीडियो शूट कर रही हूँ और खाना बना रही हूँ। तो उसमें जो आपको बताया था ना अचार मैंने डाला था, उसका कुछ थोड़ा बहुत राई का मसाला बच गया था, उसी में सौंफ वगैरह पीसी थी, तो वो मसाला भी मैंने इस पर ही मिक्स कर लिया था प्याज के साथ। और इसको हमने कोई बघार वगैरह नहीं लगाया है, हल्का सा तेल डाल के और इसको डाल दिया भिंडी को, तो ये अच्छे से होती रहेगी। और इसको अब हम ढक देंगे, बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे। वैसे ही भिंडी जो होती है बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। मैं बताई ना कि थोड़े थोड़े देर में देख रही थी वो भिंडी हो ही नहीं रही थी, फिर बहुत देर बाद देखी थी जब तक जल चुकी थी। और ये हमारा शाम का टाइम है, तो यहाँ पे देव को भी मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ कि चाय तो उस खिला रही हूँ, क्योंकि देखना तो सबको ही है ना, मुझे बराबर देखना है। तो आज अभी है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, बस यही बोलूँगी कि बस मैं ठीक रहूँ, अच्छी रहूँ, स्वस्थ। भगवान आपको भी हमेशा स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना उसमें मैं यही कर सकती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, क्योंकि मैं स्वस्थ रहूँगी तो बाकी सब ठीक रहेगा। और हिम्मत कितनी भी करती हूँ ना पर हिम्मत होती नहीं है। तो अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना था, उन्होंने खैर मुझे बुलाया भी था। अभी इस टाइम मुझे पूरे, जब तक डिलीवरी नहीं होती है तो मुझे पूरे 1 वीक बाद जाना है, पर फिर भी मेरा डिले होते होते 15 दिन ये ऊपर चढ़ चुके हैं। और इस तरीके से मुझसे बैठते भी नहीं बनता है, न लेटते बनता है। सबके साथ ऐसे ही होता होगा, ज़्यादा आप खड़े रह सकते हैं, न ज़्यादा आप बैठ सकते हैं। और हल्का सा सांस लेने में भी प्रॉब्लम जा रहा है मुझे, ऐसा दम टाइप का घुटता है। तो फिर मैंने, हालांकि सासू माँ ने बोला कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना, अभी क्या है जो उसका टाइम बहुत जल्दी जल्दी वो बड़ा होता है 1 वीक बाद, तो उसको अब फैलने की जगह नहीं रहती है जो भी हो, तो इस वजह से सांस फूलने में दिक्कत जाती है। चलिए हम आपसे फेस टू फेस बातें करते हैं, फिर वीडियो का एंड भी करते हैं। देव थोड़ा सा मदद करो भैया, अभी मैं रोटी सेक कर आई हूँ। और कल आपको बताया था मैंने कि मेरी माँ चली गई, मतलब माँ जी थे वो चली गई सासू माँ। और मुझे ना सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, एकदम उल्टी उल्टी सुबह से आ रही है। जैसे जैसे करके काम तो कर रही हूँ, और अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है ना, तो कमर का जो दर्द है बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है। कल रात को भी हालत बैंड हो गई थी, और मुझे लग रहा है कि रेस्ट तो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि कल रात को भी 2-3 घंटे के बाद ही मैं सोई, करीब 2-3 बज गए थे सोते सोते। वैसे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होगी या अगर आप माँ बन चुके होगे तो आपको पता होगा कि क्या हालत हो जाती है थर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते आते। तो मुझे अब सहन नहीं हो रहा, मुझे बहुत बेकार लग रहा है। मतलब कि आप मेरी आँखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरती की क्या स्थिति है। सुबह से आज मैं 4 बार उल्टियाँ कर चुकी हूँ, और अभी वैसे भी मुझे वॉमिटिंग लग रहा है। तो अभी मैं जाऊँगी, थोड़ा सा बाहर टहल रही थी, पानी भी खूब पिया मैंने, फिर भी वैसे ही लग रहा है। रोना तक आ रहा था सच बताऊँ अपनी हालत को देख के, क्योंकि जब किसी को तकलीफ होती है ना तो अपने आप आंसू निकल जाते हैं उसकी तकलीफ को देख के, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। ये लोग यहाँ पे भी खाना खा रही है, देखो कैसे कैसे इन लोग को तो खाना बनाना ही पड़ता, मुझे तो मैंने बना लिया। और क्या बोलूँ आपसे कि आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो। अभी एक बार अभी बीपी चेक करूँगी, लास्ट टाइम वैसे तो ऐसे कहते हैं शुगर बीपी इतनी जल्दी चेक नहीं करना चाहिए, पर एक बार करूँगी। मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है इस वजह से, और आँख खोलते तक नहीं बन रही है, आँख ऐसे बार बार बंद हो रही, पता नहीं क्यों हो रही, किस कारण हो रही, शायद नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से या फिर भारीपन की वजह से।
क्योंकि अभी अभी ना बहुत ज़्यादा लोड ले लिया है मैंने, और सोचती हूँ आज वीडियो नहीं डालूँगी, आज नहीं डालूँगी। फिर आप लोगों से एक अटैचमेंट हो जाता है ना कि आप लोगों से बिना बातें करे ब्लॉग शूट किए बिना भी रह नहीं जाता है, ऐसा होता है। कल सैटरडे और संडे है, कल तो खैर शिवरात्रि है, मैं उपास नहीं रहूँगी। एक्चुअली आप भी मना कर रहे थे आरती अब उपास मत रहना, पर देखते हैं हम कैसे पूजा कर पाते हैं, तो कल ही पता चलेगा। और वैसे भी कहते हैं कि पाँचवें छठवें महीने के बाद कोई भी उपास नहीं रहना चाहिए, तो खैर आप लोग ने भी समझाया मुझे उपास इसलिए नहीं रहना चाहिए, मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि कहते हैं कि हम ही को पाप पड़ता है, नन्ही सी जान है इस वजह से। और अभी ही उसका जल्दी जल्दी विकास होता है, जब थर्ड ट्रिमेस्टर में आप चले जाते हैं ना, तो कहते हैं वन वीक बाद उसका विकास होता है। तो अभी मुझे फास्ट नहीं रहना है, वरना पाप क्यों मैं लूँ अपने सर पे, जो भी होगा कल होगा। तो आज अभी नाइट में अभी 8 बज रहे हैं, और अब आगे कोई भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, अगर करती हूँ तो वहाँ पे अपना वीडियो का एंड करूँगी। और तो आप सीधे कल मिलूँगी, और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि आरती की क्या हालत है। चलिए बाय बाय।